गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज अपने प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। यानी प्लांट जो है उन प्लांट्स के साथ वाटर का जो है वो क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन करेंगे कि वाटर जो है, इस वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज अपने या फिजिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है उनका डिस्कशन करेंगे। वाटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाटर जो है वो सबसे पहले तो अपने कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दूसरा पॉइंट अपने बात करें कि हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी डेंसिटी होगी। थर्ड बात करें इसका वाटर से रिलेटेड और बात करें अपने कि वाटर जो है उसकी और क्या प्रॉपर्टी होगी। एक ही आपके पोलर नेचर का है। फोर्थ पॉइंट अपने डिस्कशन करेंगे वाटर में और अपने को क्या मिलने वाला है। इसकी एक स्पेसिफिक हीट होती है इसमें। फिफ्थ नंबर बात करें कि ये मैक्सिमम कोहेसिव एंड अडेसिव जो फोर्स है वो शो करे। यानी कोहेसिव फोर्स होता है कि सेम मॉलिक्यूल सेम से अटैच हो, और अडेसिव फोर्स जो होता है वो होता है कि सेम मॉलिक्यूल जो है वो अदर पार्टिकल से अदर मॉलिक्यूल से अटैच हो। तो ये अपने को कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट ये भी ले सकते हो कि सर वाटर जो है वो अपने को लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस जो होती है उन तीनों ही फेज में ऑल फेज के अंदर प्रेजेंट होता है, लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस फेज के अंदर। दूसरा पार्ट अपने डिस्कशन कर रहे हैं प्लांट। तो प्लांट में आपकी आती है लिविंग सेल्स की बात कर लेते हैं। तो अपने को पता है कि लिविंग सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म बिहेव एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी जो प्रोटोप्लाज्म है लिविंग सेल्स में वो फिजिकल बेस की तरह से बिहेव कर रहा है, और फिजिकल बेस की तरह से बिहेव करेगा इट मींस ये अपने पास क्या करेगा कि ऑल रिएक्शन रिएक्शंस या फिर इनको बोल सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शंस कंप्लीटेड विद इन प्रोटोप्लाज्म। ये सब प्रोसेस कहाँ हो रही है अपने प्रोटोप्लाज्म में हो रही है। तो प्रोटोप्लाज्म में हो रही है तो प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड ये कुछ सम फिजिकल सम एक्टिविटी विच अकर्स इन प्रोटोप्लाज्म। कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो आप एक कॉमन सा प्रोसेस स्टडी कर सकते हो कि सर डिफ्यूजन है, आप ये कह सकते हो कि सर ऑस्मोसिस है, आप ये भी कह सकते हो कि सर इसके अंदर इसके अलावा प्लांट से रिलेटेड बात करें तो इम्बिबिशन है, इसके अलावा आप लोग कह सकते हो प्लाज्मोलाइसिस एटसेट्रा। खूब सारी है अपने पास फिजिकल प्रोसेस जो है वो प्लाज्मा या प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड होती है। तो इन सब का रिलेशन अपने देखें कि प्लांट जो है उसके अंदर तो अपने को मेन प्रोसेस जो मेन फिजिकल बेसिस वाली जो स्ट्रक्चर मिलने वाली है, यही मान लें कि प्लांट से रिलेटेड तो अपने प्रोटोप्लाज्म और वाटर जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है अपने इसी चैप्टर में इन रिलेशनशिप से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। इन सब प्रोसेस को अपने इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कशन करेंगे डिफ्यूजन की बात करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, उसके बाद अपने आगे देखो। सबसे पहले बात करते हैं अपने कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप में कि प्लांट की बॉडी में वाटर कितना मिलने वाला है। तो आपने ये भी कह सकते हो कि सर अप्रोक्स 80-90% वाटर जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर जनरली अपने को मिलता है।
उस 80-90% वाटर में जो फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस होने वाली है उसकी बात करते हैं आप डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन जो है वो क्या होता है। वैसे अपने इसको 11th क्लास में भी स्टडी कर लिया था, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कई लोगों से डिस्कशन किया था, वहां बताया था। तो आप बात करें डिफ्यूजन से रिलेटेड, तो डिफ्यूजन होता है मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और सबस्टांस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। यानी सीधी सी बात है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल जो है उसकी अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होती है उसी को आप लोग क्या बोलोगे, उसी को बोलोगे जनरल डिफ्यूजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे मान लो आपने कहा कि सर हमने हमारा जो रूम है उस रूम के अंदर परफ्यूम परफ्यूम की बोतल जो है उसको ओपन रख दिया, तो परफ्यूम की बोतल को ओपन रखा वैसे ही वो क्या हो गई टोटल रूम जो है या कंप्लीट रूम जो है उसमें आपकी स्प्रेड हो जाएगी, मतलब पूरे रूम के अंदर उसकी क्या हो जाएगी परफ्यूम जो है उसकी स्मेल जो है वो इधर उधर फैल जाएगी। तो परफ्यूम की बोतल जो थी उसमें परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी, और पूरे रूम में परफ्यूम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी थी नहीं, और वो आपने जैसे उसको ओपन छोड़ा वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो गई। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, जो फ्रेग्रेंस यूज करते हैं ना अपने, फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस मतलब किसी भी टाइप की धूप आप ले सकते हो, जैसे गूगल धूप है या ये जो कैंडल्स आप यूज करते हो उनको भी आपको पता है कि जैसे आप घर में जलाते हो उनको जला के एक जगह छोड़ते हो तो पूरे रूम के अंदर पूरे होम के अंदर वो स्प्रेड हो जाती है। वो भी किसका एग्जांपल आप लोगों के जनरल डिफ्यूजन का है। नॉर्मली अपने घरों में आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि अपने मम्मी पापा जो है वो जनरली क्या करते हैं कि सर्दियों के कपड़े जब रखते हैं तो उनके अंदर आपको वो सागर की गोलियां बोलते हैं उसको, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है NH4Cl की गोलियां जो है उनको भी रख देते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है पूरे आपके उन कपड़ों के अंदर उसकी एक स्मेल हो जाती है। तो वो भी किसका एग्जांपल है, तो ये भी आपका डिफ्यूजन का एग्जांपल है। इसके अलावा आप कहोगे सर और क्या हो सकता है डिफ्यूजन का, क्योंकि ये बात करें तो ये तो लिक्विड का हो गया, ये बात करें तो ये सॉलिड हो गया, इसके अलावा क्या गैसेस का एग्जाम्पल है? हाँ, फ्रेग्रेंस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, गैसेस डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर कि डिफ्यूजन जो है वो कौन सी प्रोसेस है और डिफ्यूजन में होता क्या है, कि कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है वो मूवमेंट करता है। फिर अपने डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कशन करते हैं कि डिफ्यूजन जो है, पर इसका स्पेस छोड़ देते हैं, डिफ्यूजन जो है वो ठीक है मान लिया कि हाई टू लो कंसंट्रेशन जो है मूवमेंट करेगा पार्टिकल जो है, तो क्या ये जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से उसके इसके पीछे फोर्स कौन सा होता है? तो आप बोलोगे ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं जो भी सब्सटेंस होगा उसके पार्टिकल्स जो होंगे उन पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेन फोर्स जनरेट करती है फॉर डिफ्यूजन, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो इधर उधर मूवमेंट करता है। दूसरी बात अपने डिफ्यूजन से रिलेटेड कर दें कि ये इट इज ए पैसिव प्रोसेस, यानी इसके अंदर आप लोगों को किसी भी टाइप की एनर्जी जो है वो नहीं लगती, किसी भी टाइप की एनर्जी कंजप्शन नहीं है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? पैसिव प्रोसेस हुई। दूसरा पॉइंट ये भी बोल सकते हो कि अभी जैसे अपने एग्जांपल देखा कि आप परफ्यूम की बोतल को ओपन छोड़ दें, कैंडल्स जो है उनको जला के छोड़ दें, या फिर आप अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल देख रहे थे, इसी टाइप से आप कॉपर सल्फेट का भी एग्जांपल ले सकते हो। उस कॉपर सल्फेट जिसको नीला कोसा बोलते हैं, आप थोड़ा सा वाटर एक थोड़े उसमें गिलास में वाटर ले, उसके अंदर जैसे नीला कोसा तोता डालोगे या कॉपर सल्फेट डालोगे वो पूरे वाटर को क्या कर देगा, ब्लू कलर कर देगा। वो भी किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो अपने बात करें कि क्या इसमें किसी लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट है क्या? तो आप बोलोगे कि सर देयर आर
रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग सिस्टम. नो डाउट लिविंग सिस्टम में भी डिफ्यूजन मिलेगा आप लोगों को, बट ये कंपलसेशन नहीं है कि जब लिविंग होगा तभी डिफ्यूजन होगा, अदरवाइज डिफ्यूजन नहीं होगा. तो आप ये भी कह सकते हो कि इसके अंदर आप लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, किसी लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. फिर डिफ्यूजन की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि टिल, यानी डिफ्यूजन जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद भी ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी. डिफ्यूजन इट टेक्स प्लेस टिल केमिकल टिल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट. यानी जब तक आप लोगों का इक्विलिब्रियम स्टेबलिशमेंट नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तब तक तो प्रोसेस चलेगी. आफ्टर आफ्टर स्टेबलिशमेंट, यानी जब स्टेबल हो जाएगा उसके जस्ट बाद क्या करेगा, आफ्टर स्टेबलिशमेंट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. यानी पहले जब तक स्टेब्लिशमेंट नहीं था तब तक तो ठीक था, और जब स्टेब्लिशमेंट हो गया तो रेंडमली डिफ्यूजन जो है वो रेंडमली होगा, मतलब इसके डायरेक्शन जो है वो किसी भी टाइप, मतलब जिस भी डायरेक्शन में जाए या रेंडम डिफ्यूजन हो जाएगा उसके बाद में. ये कोई फिक्स नहीं है कि इसके अंदर स्टेब्लिशमेंट हो गया तो वापिस चलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ये रुक जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं. तो ये तो कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन थी कि डिफ्यूजन जो है वो किस टाइप की जो प्रोसेस है वो है, और इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट लें थोड़ा सा अपने, उसके बाद में और आगे चलेंगे. आप ये भी कह सकते हो कि सर डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उस डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या जो मॉलिक्यूल्स है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो किसी अदर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन से अफेक्टेड है या नहीं. इसका एक कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को. मान लो कि आपके पास कोई पॉट है या कोई मतलब आपके पास सेल है, उस सेल के अंदर आपकी O2 कंसंट्रेशन है, CO2 भी प्रेजेंट है. इसके अलावा आप बोल सकते हो कि सर इसके अंदर अदर गैसेस है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और इधर आपका ये मान लो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है. अब एटमॉस्फेयर में भी अपने को कंफर्म है कि O2 भी है, CO2 भी है, N2 भी है. अब ये जो यहां से डिफ्यूजन जो होगा या बाहर से जो डिफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा, यानी डिफ्यूजन ऑफ O2, CO2 and N2 depends on the concentration of O2, CO2 and N2, या relative concentration कर देता हूँ मैं सबको लिखने की, depends on the relative concentration of these gases in atmosphere. यानी एक किस पे डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन ऑफ O2, CO2 एंड N2, यानी ये जो गैसेस है इनका डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, ऑन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस इन एटमॉस्फेयर. यानी इन्हीं गैसेस की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन क्या है उस पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अदर गैसेस. देखो इसका मीनिंग थोड़ा सा समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इनका डिफ्यूजन, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है. CO2 का डिफ्यूजन डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, और N2 का डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में N2 की कंसंट्रेशन क्या है. ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा कि भाई ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ तो ज्यादा है और यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, ईच अदर पे डिपेंड नहीं करेंगे.
तो ये बात मैंने लिखी हुई है कि डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 एंड N2 डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस इन एटमॉस्फेयर नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मीडियम, यानी जिस भी मीडियम है उस मीडियम में अदर मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन से कभी भी अफेक्टेड नहीं होता। डिफ्यूजन का मेन रीजन आप लोगों ने क्या बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही क्या होने वाला है अभी डिफ्यूजन जो है वो कंप्लीट होगा। तो कुल मिलाकर अपने डिफ्यूजन से रिलेटेड बेसिक सी बातें अपने ये कर ली कि डिफ्यूजन जो है वो किस प्रकार की प्रोसेस है, आपने कहा सर पैसिव प्रोसेस है, लिविंग सिस्टम की इसको कहीं रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसके अलावा डायनेमिक प्रोसेस है यानी इक्विलिब्रियम स्टेबलिशमेंट के बाद भी स्टेबल नहीं है, उसके बाद भी कंटिन्यू डिफ्यूजन जो है वो चलता रहेगा। आप लोग ये भी कह सकते हो कि इट इज ए स्लो प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है ये, स्लो प्रोसेस होती है। तो कुल मिलाकर बेसिक सी बात करें डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन जो है वो ये प्रोसेस होती है। चलो इसके बाद अपने डिस्कशन करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस को कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं उनकी भी बात कर रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट अपने बात करते हैं कि डिफ्यूजन जो है यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किस से अफेक्ट होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में फर्स्ट इफेक्ट डालते हैं टेम्परेचर का, इसका इफेक्ट डालेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट डालेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के लिए क्या होगी भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे डिफ्यूजन की रेट भी क्या हो जाएगी इंक्रीज। दूसरा आप बात करते हैं प्रेशर की, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी जैसे आप प्रेशर राइज करोगे वैसे ही डिफ्यूजन जो है वो भी क्या होगा ज्यादा होगा। इसके अलावा आप लोग तीसरा ये कह सकते हो डेंसिटी ऑफ मीडियम, अब बात किसकी कर रहा हूं, मीडियम की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम के, डेंसिटी ऑफ मीडियम यानी मीडियम की डेंसिटी जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फोर्थ नंबर पे आप डिस्कशन करें डेंसिटी से रिलेटेड बात करें डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, ये जो खुद मॉलिक्यूल्स है उसकी बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। दोनों में ध्यान रखें, एग्जाम के अंदर आप लोगों को नीट वीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स तो आप लोगों को दी होती है, रट्टा होता है सब बच्चों का कि सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी किसके, रूट डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट कई बार वो क्या करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा, वहां दे देगा डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो डेंसिटी ऑफ मीडियम की क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसके अलावा आप लोग बात करें कि जो डिफ्यूजन है तो उसको और कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है, तो जनरली डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो इसी से अफेक्ट होती है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी ऑफ मीडियम है, अदर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन कभी भी अफेक्ट नहीं। चलो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद अपन बात करते हैं कि डिफ्यूजन जो है उसकी प्लांट्स की इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन या प्लांट्स में इसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो आप भी बोल सकते हो यूज ऑफ डिफ्यूजन या यूटिलाइजेशन ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन प्रोसेस जो है प्लांट में कहाँ यूज होगी, इसके लिए आप बोल सकते हो कि ऑल गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, एक तो
जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती है, चाहे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो, चाहे रेस्पिरेशन की, उन सब के अंदर आप लोग कौन सी प्रोसेस यूज करोगे, या जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कौन सी प्रोसेस हो रहा है, तो डिफ्यूजन से हो रहा है। दूसरा पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि सर डिफ्यूजन का सेकेंड यूज है कि ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बाय डिफ्यूजन। जनरली ट्रांसपीरेशन बिकॉज कौन से मेथड से होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि सर सम इनएक्टिव इनएक्टिव मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स थ्रू डिफ्यूजन।